हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम सुभ्रास बायोलॉजी। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पैथोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि हर एक लैब में होता है। आप सभी लोगों को पता होगा, आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा। सो द चैप्टर इज ESR, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो ये ESR जो होता है, ये क्यों हम लोग करते हैं, ये होता क्या है, और इसके अंदर में इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐसा क्या है जो कि हमारे जो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें आने वाला है, आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पूरा बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर पहली बार आए हो तो, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को मिल जाएंगे मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के सिलेबस पूरा। ठीक है, तो फिर चलिए ESR की तरफ चलते हैं। तो ESR टेस्ट हम लोग करते क्यों हैं? आप लोगों के मन में ये सवाल जरूर आया होगा। ESR टेस्ट हम लोग इसलिए करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आप लोगों को एक बता दूं, अगर कहीं पे भी टिश्यू इंजरी हो जाता है तो फिर वहां पे हमारे बॉडी में क्या हो जाता है, वो एरिया क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, रेडिस हो जाता है। तो इसको हम लोग मेजर कैसे करेंगे? पहला तो आप लोग क्या कर सकते हो, फिब्रिनोजन टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो फिब्रिनोजन टेस्ट करने के बाद, लेकिन हम लोग आज फिब्रिनोजन के नहीं, आज हम ESR की बात करेंगे। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ सेकेंड टेस्ट जो करते हैं टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ इन्फ्लेमेशन, दैट इज कॉल्ड एज ESR। ठीक है, तो ESR जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन केस ऑफ इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो आप लोग इस बात समझ गए कि ESR टेस्ट हम लोग क्यों करते हैं, टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ द इन्फ्लेमेशन, हम लोग इसीलिए ESR टेस्ट करते हैं। तो चलिए, उसका जो ट्यूब होता है, कौन से वाइल में कलेक्शन करना है, कितना एंटीकोगुलेंट लेना है, वो जो इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसके अंदर में आते हैं उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो पहला तो है, हम लोग जो पीपेट लेते हैं, वो जो पीपेट ट्यूब रहता है, उस ट्यूब को हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न ग्रेन ट्यूब। कौन सा ट्यूब बोलते हैं? वेस्टर्न ग्रेन ट्यूब। हम ये जो ESR को दो टाइप के मेथड से कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द वेस्टर्न ग्रेन मेथड, नेक्स्ट इज द विंट्रोप्स मेथड। हाँ, मैं वही विंट्रोप्स मेथड के बारे में बात कर रही हूँ, जो विंट्रोप्स मेथड में आप लोग क्या करते हो, PCV टेस्ट करते हो। PCV यानी पैक्ड सेल वॉल्यूम टेस्ट आप लोग उसी मेथड से करते हो, एंड वो विंट्रोप ट्यूब से भी आप लोग ESR का एस्टिमेशन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन वो तो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन पहला जो इम्पोर्टेंट है, वेस्टर्न ग्रेन मेथड से हम लोग ESR को कैसे मेजर करते हैं उसको चलिए देख लेते हैं। तो वेस्टर्न ग्रेन ट्यूब जो रहता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, तो वेस्टर्न ग्रेन ट्यूब जो होता है वो टोटल कितना mm का होता है, 300 mm उसका साइज होता है, जो कि आप लोगों का गाइस क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछता है। ठीक है, बहुत ही ध्यान से आप लोग इसको सुनना, और अगर इंपॉर्टेंट मतलब चीज़ें हैं मैं बता रही हूँ ना, उसको लिख लेना है। ठीक है, वो 300 mm का जो ग्रेजुएटेड सिलेंडर रहता है उसके अंदर 200 mm जो रहता है वो ग्रेजुएटेड रहता है। ठीक है, और उसके ऊपर जो 100 mm जो पर्सन रहता है ऊपर का हिस्सा, वो अनग्रेजुएटेड रहता है। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 300 mm लेंथ हो गया, और उसका जो विड्थ होता है गाइस, ये होता है 2.5 mm का। कितना होता है, 2.5 mm का, 2.5 mm का विड्थ होता है आप लोगों का वेस्टर्न ग्रेन का ट्यूब, इसको भूलना नहीं है गाइस। ये हो गया हमारे वेस्टर्न ग्रेन ट्यूब के बारे में, और उसके बाद चलिए देखते हैं एंटीकोआगुलेंट, यानी हम लोग जो एंटीकोआगुलेंट, व्हाट आर एंटीकोआगुलेंट्स, डू यू नो दैट? अगर पता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तो एंटीकोआगुलेंट्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच इज एडेड टू द ब्लड सो दैट ये कोआगुलेशन ना कर पाए। बात तो यही है ना, कि हम लोग, हमारे बॉडी में जो होता है नेचुरल एंटीकोआगुलेंट कौन सा होता है, हेपरिन होता है, इसीलिए हमारे ब्लड जो होता है क्या कर नहीं पाता, क्लॉट नहीं कर पाता, या फिर कोआगुलेशन नहीं हो पाता है। जब हम लोग ब्लड को बाहर निकाल लेंगे, वेनस ब्लड को टेस्ट करने के लिए, वो अगर प्लेन वाइल में रहेगा, बाहर रहेगा, तो क्या हो जाएगा, क्लॉटिंग हो जाएगा, कोआगुलेशन हो जाएगा। तो उसमें से ऊपर का हिस्सा जो हम लोग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं। लेकिन हम लोगों को गाइस यहाँ पे सीरम की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को होल ब्लड चाहिए। होल ब्लड के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एंटीकोआगुलेंट ऐड करना पड़ेगा। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट एंटीकोआगुलेंट कौन सा है, दैट इज प्रेजेंट इन द ब्लैक वायल व्हिच इज कॉल्ड एज सोडियम साइट्रेट। क्या है उसका नाम, सोडियम साइट्रेट। लेकिन गाइस ये आप लोगों को क्वेश्चन में नहीं पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा कितना परसेंटेज ऑफ सोडियम साइट्रेट आप लोग यूज करते हो फॉर द एस्टिमेशन ऑफ ESR। अब यही तो पे तो आप लोग ब्लैंक हो जाओगे, लेकिन गाइस यहाँ पे ध्यान दीजिए, 3.8% ऑफ सोडियम साइट्रेट, कितना, 3.8% ऑफ सोडियम साइट्रेट इज यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ ESR। और उसका जो वायल का कलर होता है कौन सा कलर होता है, ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, जो कि कोट मैंने पहना हुआ है वही ब्लैक कलर का होता है गाइस, ESR का जो टेस्ट करने के लिए वायल या फिर वैक्यूटेनर जो बोल सकते हो। ठीक है, ब्लैक टॉप ट्यूब, उसको भूलना नहीं है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। लेकिन फिर से और एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि आप लोगों को वाइवा बोस में पूछा जाता है, वो बात ये है कि अगर हम लोग एंटीकोआगुलेंट यूज कर रहे हैं यहाँ पे, कितना परसेंट आप लोग लोगे एंटीकोआगुलेंट और कितना परसेंट आप लोगे ब्लड। ध्यान पे ये बात रखना है, द प्रोपोर्शन ऑफ ब्लड इज टू
एंटीकोगुलेंट इज द 4:1, इसका मतलब ये होता है तो 4 रहेगा आप लोगों का वेनस ब्लड, फिर 1 प्रोपोर्शन में आप लोगों का रहेगा एंटीकोगुलेंट, एंड दैट एंटीकोगुलेंट इज 3.8% ऑफ सोडियम साइट्रेट ऑब्वियसली। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे कि हम लोग अगर 0.4 ml ऑफ एंटीकोगुलेंट ले रहे हैं, 3.8% ऑफ सोडियम साइट्रेट हम लोग कितना लिए, 0.4 ml, उसके बाद हम लोग कितना लेंगे वेनस ब्लड, आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। हम लोग ब्लड लेंगे 4:1 प्रोपोर्शन पे कितना होगा, तो गाइज यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया, अगर आप लोग खुद बना रहे हो कमर्शियली अवेलेबल वैक्यू डोनर सर देयर, अगर लेकिन अगर आप लोग पाउडर से बना रहे हो तो आप लोगों को ध्यान रखना है 4:1 रेशियो पे आप लोगों को बनाना है। ठीक है, एंटीकोगुलेंट के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया, अगर कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं कि टेस्ट कैसे करते हैं, प्रोसीजर उसका कैसा रहता है, कितने टाइम के अंदर में हम लोग इसको टेस्ट कर सकते हैं। गाइज मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ, 1 आवर में आप लोग कर सकते हो, 2 आवर में भी आप लोग कर सकते हो। तो 1 आवर का मेनली हम लोग रीडिंग लेते हैं, तो 1 आवर के लिए आप लोगों को क्या करना होता है, आप लोगों ने ब्लैक वायल में आप लोगों ने ले लिया आप लोगों का वेनस ब्लड, उसको आप लोग मैक्सिमम 2 to 3 hours के अंदर में आप लोगों को टेस्ट करना है, नहीं तो अगर आप लोग डिले अप टू 6 hours तक कर सकते हो लेकिन विद इन सर्टन टेम्परेचर इन द फ्रिज, राइट, नहीं तो आप लोग ऐसे ही बाहर में उसको 6 hours तक डिले करके टेस्ट का रिपोर्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, प्रोसीजर ऐसा होता है, उसका जो वेस्टर्न ग्रिड का स्टैंड रहता है और उसके बाद वेस्टर्न ग्रिड का जो ट्यूब रहता है, आप लोगों ने क्या कर दिया, उसको ब्लड दे दिया है, उसके बाद उसको वर्टिकल पोजीशन में क्या करना है, जैसे कि वर्टिकल पोजीशन में उसको स्टैंड कर देना है विद इन 1 आवर और उसके उसको टच नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद 1 आवर के बाद आप लोग जाके देखोगे कितना होगा सेडिमेंटेशन, क्या सेडिमेंटेशन होगा, एरिथ्रोसाइट ना, टेस्ट का नाम है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, तो ऑब्वियसली एरिथ्रोसाइट ही सेडिमेंट हो गए, तो ये जो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंट कितना होता है इन 1 आवर उसी को हम लोग चेक करेंगे। तो लेकिन ये जो एरिथ्रोसाइट होते हैं 1 आवर के अंदर में ऐसा ही सेडिमेंट नहीं हो जाता, उसका भी स्टेजेस रहता है, कैसा स्टेज रहता है, कितना स्टेज रहता है, आप लोगों को पता होगा 60 मिनट में 15 मिनट कितना होता है, 4 होता है, तो फर्स्ट 15 मिनट में क्या होता है, सेकंड 15 मिनट में क्या होता है, थर्ड 15 मिनट में क्या होता है और उसके बाद लास्ट 15 मिनट में क्या होता है, ये भी पूरा आप लोगों का मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे मतलब लाइक देख के ही मेरे को इंस्पिरेशन मिलती है। ठीक है, तो फिर चलिए देखते हैं कि उसका जो स्टेजेस रहता है सेडिमेंटेशन का, तो फर्स्ट 15 मिनट में क्या होता है, रॉलेक्स फॉर्मेशन होता है, क्या फॉर्मेशन होता है, रॉलेक्स फॉर्मेशन होता है। तो ये फॉर्मेशन क्या होता है, आप लोगों ने जब फर्स्ट ब्लड को वेस्टर्न ग्रिड ट्यूब के अंदर डाल दिया है और उसको वर्टिकल पोजिशन में स्टैंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद फर्स्ट 15 मिनट जो होता है ना उतना सेडिमेंटेशन नहीं होता है, तो वो जो फर्स्ट 15 मिनट होता है उसमें क्या होता है, रॉलेक्स फॉर्मेशन होता है, कौन करता है, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स करते हैं रॉलेक्स फॉर्मेशन। ठीक है, फर्स्ट 15 मिनट में रॉलेक्स फॉर्मेशन हो गया है, लिख लिया आप लोगों ने, सही है। सेकंड पॉइंट में चलते हैं, सेकंड 15 मिनट में क्या होता है, सेकंड 15 मिनट में क्या होता है ना, थ्रेड फॉर्मेशन होता है, कौन सा थ्रेड फॉर्मेशन होता है, कौन करता है, यहाँ पे आता है इंपॉर्टेंट चीज गाइज, ये होता है कि सेकंड 15 मिनट में क्या होता है ना, ट्रैप हो जाता है, तो कौन किसको यहाँ पे ट्रैप कर रहा है, तो यहाँ पे गाइज क्या होता है, सेकंड 15 मिनट में हमारा जो फिब्रिनोजन होता है प्रोटीन और उसके बाद ग्लोब्यूलिन जो प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन क्या करते हैं ना, फाइन थ्रेड बनाते हैं, नेटवर्क जैसा बना लेंगे, ऐसे जैसे कि मतलब सपोज ये दिस इज द फिब्रिनोजन एंड दिस इज द ग्लोब्यूलिन, ये प्रोटीन मिलकर फाइन थ्रेड ट्रैक स्ट्रक्चर बना देते हैं, उसके अंदर क्या रह जाता है, एरिथ्रोसाइट्स। गाइज ये अगर हम लोगों ने ट्रैप कर दिया ऐसा ही, जैसे कि हमारा फिल्ट्रेशन होता है, आप लोगों का पता होगा फिल्ट्रेशन के लिए जैसे फिल्टर पेपर हम लोग यूज करते हैं, वैसे ही गाइज ये क्या कर लेते हैं ना, फिब्रिनोजन एंड ग्लोब्यूलिन ऐसे फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना के नेटवर्क ऐसे बना लेंगे बहुत सारा, तो उसके अंदर में एरिथ्रोसाइट्स क्या हो जाएगा, एंट्रैप हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा, सो दैट क्या हो जाएगा ना, ये हैवी हो जाएगा, अगर एक मतलब ये 1+1 है और उसके बाद एरिथ्रोसाइट +1 फिर से आके अटैच हो रहा है तो ऑब्वियसली हैवी हो जाएगा। अगर कोई भी चीज हैवी हो जाता है, उसका डेंसिटी अगर हाई हो जाता है तो क्या हो जाएगा, वो नीचे गिर जाएगा, इसका मतलब अगर ईगो आप लोगों का ज्यादा हो रहा है तो आप लोग नीचे गिरते गिरते ही जाओगे। ठीक है, तो इसलिए जितना भी आगे जा रहा है ना गाइस, ईगो को पीछे रखना है। ठीक है, ऐसे ही ये भी आप लोगों को सिखाता है कि एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट में आप लोगों का क्या होता है ना, अगर आप लोगों का हेवी हो जाता है, डेंसिटी ज्यादा हो जाता है, अगर आप लोगों का ईगो ज्यादा हो जाता है तो आप लोग क्या करोगे, नीचे नीचे धीरे सेडिमेंटेशन होता रहेगा और आप लोग सेकंड 15 मिनट में क्या हो जाएगा ना, सेडिमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट 15 मिनट में क्या होता है, रैपिड फॉल ऑफ प्रोटीन नेटवर्क, यानी प्रोटीन नेटवर्क जो बना था सेकंड 15 मिनट में, जो ट्रैप हुआ था एरिथ्रोसाइट हमारा, वो क्या हो जाएगा ना, रैपिडली फॉल कर जाएगा, यानी थर्ड 15 मिनट में क्या हो जाता है ना, रैपिड फॉल हो जाता है, यानी पूरा नीचे डेंसिटी मतलब इतना ज़्यादा हो जाता है, इतना ये हेवी हो जाता है प्रोटीन नेटवर्क जो होता है, ये पूरा रैपिडली फॉल कर जाता है डाउन
ठीक है, तो उसमें से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि थर्ड 15 मिनट में ज़्यादा रैपिड हो जाता है फॉल, जो होता है फॉलिंग डाउन ऑफ दैट एरिथ्रोसाइट मास विद दैट फिब्रिनोजन थ्रेड, ये रैपिडली सेडिमेंटेशन हो जाता है। फोर्थ 15 मिनट में क्या होता है ना, फेज ऑफ पैकिंग ऑफ रेड सेल्स, इसका मतलब जो आप लोगों को मिल रहा है उसके साथ एडजस्ट कर लो। एरिथ्रोसाइट ऐसे ही ओपनली घूम रहे थे, अगर आप लोगों को उनका थोड़ा घर मिल जा रहा है, प्रोटीन नेटवर्क जैसे फिब्रिनोजन एंड ग्लोबुलिन ने घर बना लिया उनको और उनको नीचे गिरा दे, और जब नीचे गिर ही गए हैं वो क्या करेंगे, अभी वहीं पे उनको घर बनाना पड़ेगा, तो इसीलिए वो क्या करेंगे ना, उनके साथ वहीं पे पैकअप हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे एडजस्ट कर जाएंगे, चलो सही है जो मिला उतना ही मिला, अब उनको साथ ही अटैच हो जाते हैं, उनके साथ ही पैकिंग कर शुरू कर लेते हैं, उनके साथ ही घर बना लेते हैं। तो ये लास्ट फेज में क्या करते हैं, आरबीसी पूरा उनके साथ पैक कर जाते हैं लास्ट 15 मिनट में। तो उसके बाद 1 आवर के बाद आप लोग क्या देखते हो, रीडिंग देखते हो कितना, तो फिर रीडिंग कैसे देखते हो वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस। आप लोग देख लो यहाँ पे थोड़ा, जितना पार्ट आप लोगों का प्लाज्मा रहता है, तो प्लाज्मा क्या है, हम लोगों ने एंटीकोएगुलेंट तो ऐड कर लिया, तो एंटीकोएगुलेंट ऐड करने के बाद जब तुम रखोगे उसको स्टैंड आउट करके 1 आवर तक, तो उसमें से क्या निकलेगा, सीरम या प्लाज्मा, ऑब्वियसली प्लाज्मा ही निकलेगा ना, बिकॉज इट कंटेन्स द फिब्रिनोजन, ठीक है। तो इसीलिए वो प्लाज्मा जितना ऊपर जितना रहेगा, क्लियर प्लाज्मा आप लोग देख पा रहे हो, उतने सा ही रीडिंग लेना है आप लोगों को, उतना आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितना सेडिमेंटेशन एरिथ्रोसाइट या फिर आरबीसी हुआ है, ठीक है। तो रीडिंग ऐसा लिया जाता है, और उसके बाद आप लोग सोचोगे कि नॉर्मल रेंज, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ है, और मेल और फीमेल में दोनों में डिफरेंस होता है, और प्रेगनेंसी के टाइम पे और हार्मोनल इंबैलेंस या फिर चेंजेस के टाइम पे भी ये डिफरेंट होता है गाइस, इसको भी थोड़ा ध्यान पे रखना है। नहीं तो आप लोग ये सोचो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर आप लोगों का ESR ज़्यादा है तो आप लोग बोलोगे कि इन्फ्लेमेशन है, ऐसा कोई बात नहीं है, कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि ESR कभी कभार इंक्रीज रहता है, एंड दैट इज़ नॉर्मल, ठीक है। इस कंडीशन में प्रेगनेंसी कंडीशन जैसे कि फॉर एग्जांपल हो गया, और भी ऐसे बहुत सारे कंडीशन हैं, ठीक है। तो फिर बात करते हैं हम लोग नॉर्मल रेंज के बारे में। फीमेल यानी वुमेन का आप लोगों का कितना रहता है, 6 से 20 mm per 1 hour। गाइस यूनिट को ध्यान रखना है, यूनिट को नहीं बोलना है, 6 से 20 mm per 1 hour आप लोगों का रहता है फीमेल यानी वुमेन का, वेरस मेन का आप लोगों का रहता है 4 से 14 mm per hour, ठीक है। गाइस ये दोनों को भी नोट कर लेना है, ये वाइवा बोस में पूछा जाता है, सेमेस्टर एग्जामिनेशन में पूछता है, और बाकी आप लोगों का आगे कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में भी पूछता है नॉर्मल रेंज। गाइस इसको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है, अगर इस वीडियो आप लोग इतना तक देख ही रहे हो तो ये सारा जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, वो MCQ में भी पूछूंगी। तो नेक्स्ट वीडियो जब मैं MCQ बनाऊंगी उसके अंदर डालूंगी, अगर आप लोगों का इतना सा नंबर नहीं आता है तो गाइस आप लोगों को ये वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अगर आप लोग इतना तक देख ही लिए हो तो इतना सारा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको नोट कर लो, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का नॉर्मल रेंज। उसके बाद देखते हैं थोड़े से फैक्टर्स, जो ऐसे अगर कौन सा आप लोग गलती कर लेते हो जिसके वजह से थोड़ा इंक्रीज डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो पहला तो ये होता है कि टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है तो टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट, जैसे आप लोग जिस लैब में अगर आप लोग टेस्ट कर रहे हो तो उसका टेम्परेचर अगर बहुत ही ठंड है या फिर बहुत ही गर्मी है, यानी मतलब टेम्परेचर बहुत ही मतलब इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो रहा है, तो भी ये इन्फ्लुएंस करता है आप लोगों का ESR का रीडिंग को। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि नॉर्मली लेबोरेटरी में आप लोगों का गलती हो जाता है, वो होता है कि आप लोगों का जो वेस्टर्न ग्रेन ट्यूब रहता है वो वर्टिकल पोजीशन में पूरा एकदम नहीं रहता, 90 डिग्री में नहीं रहता, वो थोड़ा अगर इधर उधर हो जाता है तो क्या होता है ना, तो भी इंक्रीज इन ESR लेवल दिखाता है। तो आज के बाद जब भी आप लोग ESR टेस्ट करोगे तो देख लेना कि वो जो वेस्टर्न ग्रेन ट्यूब है वो एकदम वर्टिकल पोजीशन में है या फिर थोड़ा सा इधर उधर होके हुआ है, नहीं तो इसके लिए भी अगर आप लोगों का रीडिंग ज़्यादा आता है तो ये रिपोर्ट गलत है, ठीक है। तो इसको आप लोगों का ध्यान देना है। लेकिन आजकल तो डिस्पोजेबल ESR रिपोर्ट आ चुका है, जो कि बहुत ही ईजी है, आप लोगों को कुछ करना नहीं होता, डायरेक्ट वायल के अंदर में उसको डाल दो, 1 आवर के आफ्टर आप लोगों का रीडिंग मिल जाएगा। लेकिन उसको ध्यान दें, वर्टिकल पोजीशन में पूरा एकदम से सही रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट होता है गाइस आप लोगों का लेंथ ऑफ द ट्यूब, जैसे कि ESR हम लोग यहाँ पे वेस्टर्न ग्रेन ट्यूब से कर रहे हैं, तो वेस्टर्न ग्रेन ट्यूब का लेंथ जो होता है थोड़ा सा लंबा होता है वो लेंथ, इट ऑल्सो डिपेंड्स, ठीक है। अगर सर इज ग्रेटर विथ लंगर ट्यूब्स, जैसे कि आप लोग विंट्रॉप ट्यूब में बताई थी कि विंट्रॉप मेथड में भी आप लोग ESR एस्टिमेशन कर सकते हो, अगर विंट्रॉप ट्यूब आप लोग ले रहे हो वो कितना होता है, 100 mm का होता है, लेकिन वेस्टर्न ग्रेन ट्यूब कितना होता है, 300 mm का होता है। तो विंट्रॉप ट्यूब में क्या होता है ना, 1 घंटे के बाद आप लोगों का इलाप्स हो जाता है RBC, ठीक है। तो इंक्रीज इन ESR इज सीन इन केस ऑफ इंक्रीज लेंथ ऑफ द ट्यूब, ठीक है। तो ये भी थोड़ा आप लोगों का ध्यान रखना है, जो कि फैक्टर हैं जो कि वैरी करने के लिए हेल्प करते हैं कि ये सर इंक्रीज आएगा ये सर डिक्रीज आएगा, तो इसको भी गाइस आप लोगों को अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है।
तो फिर ये हो गया आप लोगों का एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट का वेस्टर्न ग्रैंड मेथड। और उसके बाद नेक्स्ट मेथड जो बता रही हूँ मैं, विंट्रोस मेथड, जो कि 100 mm ट्यूब के अंदर में होता है। उसमें हम लोग पीसीवी यानी मेनली पैक्ड सेल वॉल्यूम करते हैं टेस्ट, लेकिन उसमें भी आप लोग ESR टेस्ट कर सकते हो। और उसका जो नॉर्मल रेंज होता है उसके मेल फीमेल में भी वहाँ पे भी डिफरेंस होता है। अगर विंट्रोप ट्यूब में आप लोग कर रहे हो ESR एस्टिमेशन तो वहाँ पे आप लोगों को वुमेन का आता है 2 to 20 mm पर 1 hour आएगा, लेकिन मेल का जबकि आप लोगों का आएगा 0 to 9 mm पर 1 hour। ठीक है, तो गाइज इसको आप लोगों को ध्यान देना है कि कौन से मेथड से कर रहे हो, नहीं तो आप लोग वहाँ पे जाके पहुँच जाओगे और बोलोगे इतना उसका जो रीडिंग है तो ये कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि कौन से मेथड से आप लोग कर रहे हो, ये थोड़ा ध्यान देना है आप लोगों को। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि ये सर में और कुछ डाउट आप लोगों के अंदर में नहीं होगा। अगर है आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन जरूर पूछ सकते हो, या फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। माय इंस्टाग्राम आईडी इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, फिर मिलते हैं द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखते रहिए। थैंक यू।